और अब एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जिसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी खबरों का असर ही है कि हमारी खबरों को इतना गंभीरता से लिया जाता है कि पुलिस भी रिस हो जाते हैं। और इसलिए चौका में लॉ एक्ट से भरा एक ट्रक को जब्त किया गया। एक बड़ी अहम खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, सरायकेला जिले के चौका में लॉ एक्ट से भरा एक ट्रक को जब्त किया गया और पुलिस देखिए कैसे रेस हुई है। पिछले दिनों हमने लॉ एक्ट पर एक विशेष कार्यक्रम दिखाया था और बताया था कि किस तरीके से अवैध लॉ एक्ट का ये कारोबार चल रहा है, कैसे सरकारों को चुना लगता है, कैसे जो नौरत्न कंपनियां हैं या इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं सेल हो जाए या तमाम ऐसे जो माइंस हो जाए, सरकारी उपक्रम हो जाए, उनसे जुड़ा ये मामला होता है। तो कैसे उनके राजस्व को चुरा लगता है जब उसमें काम करने वाले लोग आपसी मिलेभगत के बाद से लॉयर्स से जुड़े से लदे इन ट्रकों को जब पास कराते हैं। चौका थाना की सरपस्ती में यह अवैध लॉयर्स का खदान जो है वो चल रहा था और यहां से लॉयर्स को पहुंचाया जा रहा था। थाना प्रभारी को जानकारी देने पर कहा गया कि ट्रक तुम्हें कुचल देगा। ये बड़ी अहम खबर आई है। ऐसे में कैसे रुकेगी अवैध लॉयर्स की तस्करी। हालांकि एक चौका में पाया गया एक ट्रक जो लॉयर्स से भरा हुआ था, चांडिल चौका में न्यूजीलैंड भारत के कैमरे ने पकड़ा है उस ट्रक को। और जब इससे जुड़ी जानकारी मांगी गई, इसकी जानकारी दी गई थाना प्रभारी को, तो कहा गया कि हट जाओ, ये ट्रक तुम्हें कुचल देगा। तो ये सोचिए, थाना प्रभारी की सरपरस्ती में ये पूरा खेल चल रहा था। हालांकि पुलिस को रेस होना चाहिए था, लेकिन पुलिस से रेस नहीं होती है, बल्कि कहती है कि आप डरिए और आपको इस ट्रक से खतरा हो सकता है। और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ बसंत साहू फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बसंत, निश्चित तौर पर हम खबरों को दिखाते हैं तो कई बार एक्शन होता है, लेकिन यहां तो उल्टा मामला यहां पर है। खबरें हम दिखा रहे हैं, ट्रकों को हम पकड़वा रहे हैं और थाना प्रभारी कहते हैं कि कुचल देगा। क्या माना जाए इसे, सरपरस्ती ही तो होगी एक तरीके से। ये जो हमारा जो चीज है, हमारा न्यूज 11 चलाने के बाद हमारा सूत्र ये जो की है कि हम लोगों को कुछ खबर दिया गोपनीय विभाग के तरफ, मैंने ये से गोपनीय आदमी लोग खबर किया कि दो गाड़ी मैंने इस तरह से लोड होकर के आपका कोहनूर के बगल में खड़ी है जी, JH09S0995 JH010AB3981। तो हम लोग क्या किए कि JH010AB3981 को आकर के कागजात तागजात मांगे, तो कागजात जैसे मांगे वो ड्राइवर हम लोग को कागज दिया, अपना नाम हम बताया, उसके बाद वो भाग गया। और भाग जाने के बाद फिर पुलिस को हम लोग खबर किए, पुलिस यहाँ पहुंचे, पुलिस पहुंचने के साथ ही हम लोगों को बोल रहा है कि आप लोग इस तरह से कागजात किए ऐसा आप लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, ये करेगा। तो ये जब पुलिस को खबर किया गया और पुलिस पर नहीं आ रहा है, तो इस समय यदि प्रेस वाला करके और उनको दे रहा है और ये सारा सर गलत यदि नहीं रहता तो ड्राइवर भागता क्यों। बिल्कुल बसंत, आप हमारे साथ जुड़िए। दर्शकों को एक बार फिर से अपडेट हम कर देते हैं। हमने कहा था कि चांडिल में चौका में लॉयर्स से भरा एक ट्रक पुलिस ने पकड़ा, दरअसल ये हमारे कैमरे में कैद हुआ। इसकी जानकारी हमने पुलिस को दी, थाना प्रभारी को दिया इस बात की जानकारी। थाना प्रभारी ने कहा कि आप हट जाइए, ये ट्रक आपको कुचल सकता है। तो ये जानकारी असल में है कि हमारे कैमरे में कैद हुआ था लॉयर्स से जुड़ा से लदा ये ट्रक, और इससे जुड़ी खबरें हमने आपको दिखाई थी बहुत पहले। और इसी दौरान ये भी कहा था कि कैसे थाना प्रभारी या जो खादी वाले हैं, खाकी वाले, उनके सरपरस्ती में ये अवैध लॉ अयस्क का जो धंधा है वो चल रहा है। बसंत, आप बता रहे थे यहां पर कि पुलिस को आपने जब बताया, थाना प्रभारी को जानकारी दी, तो थाना प्रभारी की ओर से क्या यही कहा गया सिर्फ कि आप हट जाओ, या उनके तरफ से कोई एक्शन भी लिया गया है? क्या थाना प्रभारी ने कोई टीम भेजी या खुद पहुंचे उस जगह पे? नहीं, थाना प्रभारी तो क्या हुआ कि इसके बाद जब थाना प्रभारी लोग नहीं पहुंचा तो हम सीधे डीआईजी साहब से बातचीत किए, डीआईजी को मैसेज किए, हो सकता है डीआईजी साहब इन लोग को भेजा। उसके बाद चांडिल थाना प्रभारी और चौका थाना प्रभारी पूरा फोर्स के साथ आया और JH10AB3981 को जब मैंने ये किया कागजात वेरिफिकेशन के लिए उसको पकड़ा है। हमारा कहना है कि यदि कागज सही था तो ड्राइवर को नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रेस वाले हैं, हम लोग तो पुलिस वाले नहीं थे, कानून वाले नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं मैंने इतना बड़ा जो लूट है, सरकार बोल रहा है कि नहीं हम लोगों का मैंने राजस्व मैंने हाइये नहीं है, राजस्व की मैंने कमी है, और इधर उड़ीसा से ला करके झारखंड में इस तरह से ये कर रहा है, राजस्व की लूट हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो कोहनूर फैक्ट्री है, जो कोहनी फैक्ट्री के ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि ये इस तरह से अवैध आयरन और कैसे खरीद रहा है, किस तरह से माल को ग्रेप करके बेच रहा है कि अवैध बेच रहा है, इस पर भी जांच होनी चाहिए जी। अच्छा बसंत, जो आपने कहा कि थाना प्रभारी को आपने जानकारी दी थी,
उसके बाद जो पुलिस वाले आए थे वो इस थाना से नहीं थे, बल्कि जो डीआईजी ने भेजा था वो लोग थे। नहीं, इस थाना का ही मैंने चौका और चांदिल थाना का ही थे, चांदिल और चौका थाना से ही आए हुए थे, इसी थाना क्षेत्र, चौका थाना क्षेत्र का ही है मामला जी। और अभी भी मेरे पीछे, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, मेरे पीछे Z09S 0995, उसको पुलिस नहीं खोज पाया, उसको मैं खोज करके यहाँ पर रखे हुए हैं जी। मेरे पीछे वो गाड़ी भी मिली है। तो बसंत, इस लौह अयस्क से भरे हुए ट्रक के बारे में क्या जानकारी आपके पास है? ये कहाँ के लिए जा रही थी, किसका था ट्रक, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है आपको? नहीं, ड्राइवर के अनुसार ये माल आ रहा था बड़बिल से, और बड़बिल से कोहिनूर में जा रहा था माल जी, और कोहिनूर से जा रहा है, और कोई माने अरविंद कुमार बोल करके आदितपुर या जमशेदपुर का आदमी है, वो इस तरह का काम को करता है जी। यही जानकारी अभी हम लोगों के पास मिला है। तो ये जो खेल है, क्या ये लगातार चल रहा था, या हाल फिलहाल के दिनों में इसकी शुरुआत हुई, या फिर लंबे समय से? ये कहे कि जो कोहिनूर जिस कंपनी की बात आप करें, क्या वो लगातार इन्हीं तरह के अवैध जो लॉ एस उनके जरिए ही चल रहा है क्या? जी जो लॉ हेलो, एस की बात की आपने की, तो जो कोहिनूर नाम की कंपनी का जिक्र कर रहे हैं आप, जो बड़बिल से जहां पर लॉ एस लेकर आया जा रहा था, तो क्या ये कोहिनूर ऐसे अवैध तरीके से ही इस लेकर आता लॉयर्स के, या फिर कुछ लीगली भी वो खरीदता है? ये तो जांच की विषय है, क्योंकि क्योंकि देखिए ये जांच हम लोग के प्रेस वाले हैं, लेकिन जो पकड़े हैं, पकड़ करके जो देखा जा रहा है, ये माने अवैध 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 गाड़ी को घुसा रहा था, जो कि हम लोग प्रेस वाला पकड़ करके माने पुलिस के बिल्कुल हवाले बिल्कुल किए। बसंत 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 जी, आप जरा सा आप अभी रुकेंगे हम आपके, वो तस्वीर जो आपने हम तक पहुंचाई है वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं फिलहाल। वो हम पहले दर्शकों को बता दें कि देखिए, चौका का ये मामला है और न्यूज 11 भारत के कैमरे में ये सब कुछ कैद हुआ है। देखिए, ये ट्रक है, इस ट्रक में अवैध लॉ एस्क जो है वो भरा हुआ था, नोट्स जो था वो मौजूद था, और इसके कोई कागजात नहीं थे। और बताया जा रहा है, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं लगातार, कि बड़बिल से जहां पर जो सेल के माइंस है वहां पर, या दूसरी कंपनी के माइंस में, वहां से अवैध तरीके से इन लॉयर्स को ट्रकों में भरा जाता है, और फिर दूसरी जो कंपनियां हैं जिन्हें इनकी जरूरत पड़ती है उन्हें बेचा जाता है, यानी कि बिना कागजात के, बिना किसी दस्तावेज के। और चालान की बात भी अगर कर ले तो चालान दिखाया तो जा रहा है, लेकिन ये फर्जी होता है, यानी कि जो ईवे बिल होता है उसमें फर्जीवाड़ा किया जाता है, और कोई भी वैध दस्तावेज इनके पास होता नहीं है, सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ फर्जी दस्तावेज लेकर रखते हैं, ताकि जो सामान्य पुलिस वाले हैं जिनके बहुत ज्यादा जानकारी दस्तावेजों की नहीं होती है, उन्हें वो दिखाकर किस तरह से निकल जाए वहां से, बस कोशिश इतनी ही होती है। बसंत, यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं, आपने जो तस्वीर हम तक पहुंचाई, दर्शकों को हमने वो दिखाया और दिखा रहे फिलहाल इस वक्त, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे एक ट्रक यहाँ पर रुका हुआ है चौका में, जहां पर अवैध लॉ अयस्क इस पर भरा लदा हुआ है, और यहां पर पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। तो बसंत, सबसे पहले आपको इस बात की भनक लगी कहां से, कैसे जानकारी मिली कि ये काम लगातार इस इलाके में हो रहा है और लंबे समय से हो रहा है? इसको देखिए, क्योंकि बिना माने प्रशासन का मिलीभगत से ये काम नहीं हो सकता है, इसके चलते प्रशासन को नहीं बोल करके प्रेस को बताया, क्योंकि न्यूज 11 के ऊपर लोगों को विश्वास है, और उस विश्वास के आधार पर हमको इस तरह से खबर किया। एक गाड़ी माने जो कारवा थाना क्षेत्र लोकनाथ सिंह घाटी, वहाँ पर देखिए, इस क्षेत्र जो क्षेत्र में हम अभी न्यूज कवरेज कर रहे हैं, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उस लोकनाथ सिंह घाटी में एक ट्रक खड़ी थी, उस ट्रक का तेल खत्म हो गया था, ये बाकायदे माने तेल खत्म हुआ, वो जानकारी हमको दिया, जिस तरह से हम लोग जाकर के वहाँ उस गाड़ी का भी फोटोग्राफी लिए, और फोटोग्राफी लेकर के जो गाड़ी खड़ा था पेट्रोल पंप के सामने, आपका ये में मानसा खुशी थी पेट्रोल पंप, इंडियन पेट्रोल पंप के सामने, वहाँ आकर के जब हम लोग गाड़ी का फोटोग्राफी किए, उसके बाद ड्राइवर से पूछे, तो ड्राइवर अपना कागज भी हम लोग को दिखाया, कागज दिखा करके धीरे से भागा, और उसके बाद उसका आदमी जो ये है माल को अवैध कारोबार कर रहा है, वो हमको सौदा करने के लिए भी आया था, लेकिन हमने उसको डांट करके भागा है, बोले कि जब तक इसका सही जांच नहीं होगा तुम जाओ, जिसको पैसा देते हो उसके पास जाओ, लेकिन ये गाड़ी अभी सीज होगा यदि तुम्हारा गलत है तो। यानी 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 आपके साथ भी सौदा करने की कोशिश की गई थी, यानी किसी सौदेबाजी के जरिए इनका पूरा खेल चल रहा होगा? जी, क्योंकि हमको बोल रहा था जितना मांगना है बोलिए, हम अभी तुरंत पेमेंट कर रहे हैं। उन लोग इनोवा गाड़ी, सफेद रंग का इनोवा गाड़ी आया, नंबर नहीं ले पाए थे, क्योंकि मेरे साथ बीजेपी का एक नेता को रखे हुए थे, हाँ। जो अच्छा बनसा क्षेत्र का दिलीप महतो है, और यहाँ का मैंने आपका चौका मंडल का अध्यक्ष है, उनको रखे हुए थे, उनको भी मैंने हमको बोला कि भाई आप बसंत साहू को बोलिए जिस तरह से जितना पैसा लेगा, लेकिन
दिलीप महतो भी बोला बसंत साहू पैसा नहीं लेगा, न्यूज चलाएगा। जी अच्छा बसंत ये बताइए, आपकी फिलहाल पुलिस ने जब इस फर्जीवाड़े को पकड़ लिया कि दस्तावेजों में गड़बड़ी है, या पुलिस संतुष्ट होती नजर आ रही, आपको क्या लग रहा है वैसे वहां पर जो चल रहा है? नहीं अभी इसलिए ये होगा। हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ बसंत जी कहिए, आप आवाज आ रही है आपकी अब तक? हाँ बोला जाए। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो फर्जी दस्तावेज को लगातार ये दिखा रहे हो, बार बार दिखा रहे कि हमारे पास दस्तावेज है, हमारे पास चालान है, हमारे पास ईवे बिल है, तो क्या ये जो दस्तावेज है इससे अभी जो पुलिस पहुंची है जांच के लिए, क्या वो संतुष्ट हो गई है? उन्हें लग रहा है कि हाँ ये असली दस्तावेज है, या पुलिस को पता चल गया है कि फर्जी कागज इनके पास है? अभी देखिए ये तो जांच मैंने कल सुबह जिला खनन पदाधिकारी को मैंने उनको ये किया जाएगा, उनके सामने भेजा जाएगा और सामने जाकर के वो जांच करेगा। लेकिन देखिए ये हम मैंने जो चीज देखे, क्योंकि यदि उसका कागज फर्जी नहीं रहता तो हमको अरविंद कुमार जो आदमी जो है, अरविंद कुमार का आदमी लोग, वो हमको खरीदने आया था, ड्राइवर भाग गया। इसलिए मेरा संदेह हो रहा है कि 100% कागज गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने बसंत, की यदि कागज सही होता तो शायद वो आपको पेशकश नहीं करते कि आप पैसा लेकर इस खबर को दबा दीजिए निश्चित तौर पर। तो अब फिलहाल क्या पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई हो रही बसंत इस पूरे मामले में? क्या ट्रक को सीज कर लिया गया है या फिलहाल अभी पूछताछ की जा रही है? अभी एक गाड़ी नहीं, दोनों गाड़ी को पुलिस अपना अपना कब्जे में ले लिया है, क्योंकि दोनों गाड़ी जो गाड़ी है हमारा न्यूज 11 के तरफ से ही दिया गया है पकड़ करके। जी दोनों गाड़ी पकड़ा गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बसंत, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी दी, और आपने दिखाया कि किस तरीके से आपने जमाजी के साथ एक ईमानदार पत्रकारिता की मिसाल कायम करते हुए इन ट्रकों को जब्त कराने में मदद की, और कहीं ना कहीं सरकार की भी मदद आपने की है। जिस तरीके से राजस्व का नुकसान होता, सरकार को चूना लगता है, या फिर जो कंपनियां होती है सरकारी कंपनियां, जो सरकारी माइंस होते हैं वहां पर चूना लगाया जाता है, तो उससे जुड़े फाइंस आयरन, हाँ तो वही बोला आयरन फाइंस ना, दिखाओ 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 कागज दिखाओ। कहाँ से माल आ रहा है? कहाँ से आया माल? माल आया यहाँ से। कहाँ से? बड़बी से। ये कहाँ जा रहा माल? माल यही खाली हुआ। कहाँ? कोई नहीं, कहीं नहीं में। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ तेरा? पिंटू यादव। पिंटू यादव किस? अच्छा अच्छा अच्छा, कौन भेजा है माल? इसे माल है, इसका मालिक है, ये क्या बोलता है, ये अरविंद भैया। कौन अरविंद? अरविंद यही का है। कहाँ का अरविंद?